नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्षण आप लोग के साथ। आइए मुझे डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को अखबार की सुर्खियों के अंदर आज मैं आप सभी को बता दूं कि अभी लगातार मानसून नहीं आ रहा था, लेकिन कल मानसून आया और मानसून ने मासूमों की जान ले ली है। जी हाँ, आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कल मानसून इस कदर तक आया कि वह बिजली भी लेकर के आया अपने साथ में, और बिजली गिरने से आप सभी को बता दूं कि कई लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर इलाके के अंदर कल बिजली गिरी है और वॉच टावर पर सेल्फी लेते हुए 11 टूरिस्टों की मौत हो गई है, तो वहीं 24 लोग इससे झुलसते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही ड्रोन की सहायता से अभी जंगल और पहाड़ियों में छानबीन जारी है और झाड़ियों में भी अभी कई लोगों के गिरने की आशंका जताई जा रही है और ड्रोन की सहायता से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी रेस्क्यू टीम ने 35 से ज्यादा लोगों को तो वहां से बचा लिया है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि मरने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही अभी कई लोगों की वहां पे शिनाख्त होना बाकी है और कई लोगों को झाड़ियों से निकालना भी बाकी है। तो साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि अभी राजस्थान के अंदर बिजली तो गिर ही चुकी है, लेकिन ये बिजली का असर अभी लगातार कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के ऊपर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने साफ साफ कहा है और गहलोत सरकार के ऊपर निशाना भी साध दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के अंदर दलित और महिलाओं को उत्पीड़न के मामले में बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर 5,500 से ज्यादा FIR ऐसी हो चुकी हैं, और अगर राज्य के अंदर ऐसी ही FIR होती रहेंगी तो दलित और महिलाओं के उत्पीड़न को आखिर कौन रोक पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की दामें बढ़ रहे हैं और इनको लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन अगर कांग्रेस सरकार इस प्रदर्शन करने की बजाय वहां पर टैक्स को कम कर दे तो पेट्रोल और डीजल की दरें कम होती हुई साफ साफ नजर आएंगी। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि नागौर जिले के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई है जो बेहद ही दर्दनाक है। आप सभी को बता दूं कि नागौर जिले के अंदर एक व्यक्ति के घर से चोरी हुई और जिसके बाद घर वालों ने बच्चे को रस्सी से उल्टा बांध करके लटका दिया। उसके बाद में उसके साथ में मारपीट की, मारपीट करने के बाद में उसके साथ में फोटो भी ली गई और फोटो लेने के बाद में उसका वीडियो भी बनाया गया। यह सब एक चोरी की घटना को लेकर के था, वो भी एक शक के आधार पर, और उस व्यक्ति का जब वीडियो बनाया गया तो वीडियो वह वायरल हो गया और पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही यह पूरा मामला गच्चीपुरा के इटावा इलाके का बताया जा रहा है और वहीं अभी वीडियो भी वायरल होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। साथ ही आप सभी को कोरोना की अपडेट दे देता हूं कि कोरोना के आंकड़े कल की रेट में क्या कुछ रहे हैं। तो आप सभी को बता दूं कि कल कोरोना के नए केसों में 37,645 की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं 720 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। साथ ही साथ 4.45 लाख यानी कि लगभग 4.5 लाख लोग अभी भी एक्टिव कोरोना के बताए जा रहे हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।